काफी टाइम से एक चीज वायरल हो रही है जो ये क्लेम करता है कि वो हेयर रिग्रोथ तो करता ही है, साथ ही साथ वो इतना पावरफुल है कि वो बॉल्डनेस जिसे कहते हैं गंजापन उसको भी क्योर कर सकता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो है रोजमेरी। और ये सारे जो क्लेम है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोग कह रहे हैं। तो मैंने भी ट्राई कर लिया, मैंने भी 3 हफ्तों के लिए प्रॉपर इसको रिलीजियसली अपने बालों में अप्लाई किया है। रोजमेरी के बारे में आप सबने ज़रूर सुना ही होगा कि ये कैसे कैसे मैजिक कर सकता है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो वीडियो को एंड तक देखने पे ही आपको समझ में आएगा। मैंने भी इसको 3 हफ्तों के लिए रिलीजियसली फॉलो किया है, तो आइए देखते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। कैसे क्या किया है मैंने आपको प्रॉपर वे में बताऊँगी, और इसका रिजल्ट क्या रहा, मेन सच्चाई क्या है, किसका प्रूफ होता भी है। लोग कहते हैं ना 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में उनके बेबी हेयर्स आ गए, उनके बाल उग गए सिर्फ 2-3 हफ्तों में, क्या ये पॉसिबल है? तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे व्यूअर्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले मेरे जो बालों की लेंथ है वो कितनी थी, मैंने जब उसको मेजर किया था तो 47 इंचेस आया था स्टार्ट करने से पहले, लेकिन 3 हफ्ते से मैं इसको यूज कर रही हूँ, अब कितने हो गए हैं वो मैं आपको एंड में इसका रिजल्ट बताऊंगी। अब आप देख लो कि इसको बनाना कैसे है। तो इसको बनाने के लिए आपको 2 ग्लास पानी डालना है और साथ में आपको 1 चम्मच रोजमेरी डाल देना है। उसको तब तक उबालना है जब तक उसका कलर चेंज ना हो जाए, बेसिकली 5-6 मिनट के लिए उबालना, ठीक है? फिर उसको बंद कर देना, ढक देना उसको। जब वो ठंडा हो जाए तो एक स्प्रे बोतल में डाल के आप डायरेक्टली अपने रूट्स में अप्लाई करेंगे, पूरे बालों में भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे हेयर ग्रोथ हो तो हम सिर्फ रूट्स में अप्लाई करेंगे, तो आपको रूट्स में ही अप्लाई करना है और रात के टाइम करना है इसको। सोने से पहले आप इसको रोज अप्लाई कर सकते हो, और जब बाल आपके सूख जाए तभी बालों को बांधना, क्योंकि आप कोई चीज बालों में रोज लगा रहे हो और वो वेट है तो वो अगर आप बाल ऐसे ही बांध लोगे तो वो स्मेल भी कर जाएगा, और गीले होने के बाद कैसा होता है, बाल बदबू आने लगती है ना, तो वैसे ही हो जाएगा। तो सूखने देना, उसके बाद बालों को बांधना और उसके बाद ही सोना। अब बात करते हैं रिजल्ट की, क्या ये सच में इससे हेयर ग्रोथ होता है, कैसे बाल लंबे होते हैं? तो जवाब है यस, डेफिनेटली ये मैजिकल प्रोडक्ट है, बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, या फिर ये कह लो डिसएडवांटेज भी हैं, जो आपको आगे चल के तो फायदा करेगा बट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगा। जैसे मैंने फील किया कि जब आप स्टार्टिंग में इसको यूज करते हैं ना, आपका हेयर फॉल ज्यादा होता है। जी हाँ, जिसे कहते हैं शेडिंग पीरियड, आपके बाल झड़ते हैं उस टाइम पे, ठीक है? और मेरे भी बाल झड़ गए हैं, थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ है मुझे, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बाल पहले से थोड़े से हल्के हो गए हैं। लेकिन जिनके अगर बाल कम है, ऑलरेडी कम है, तो वो शेडिंग पीरियड तक आने के लिए आप प्लीज़ उसको मत यूज़ करना। क्लेम कर रहे हैं ना कि 2-3 हफ्तों में आपके बेबी हेयर्स आ जाएंगे, नो इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप बेबी हेयर आएंगे भी ना, बेबी हेयर को आने में उसको समय लगेगा, उसको टाइम लगेगा। 2-3 हफ्ते में क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाल उगना स्टार्ट होंगे 3-4 महीने लगातार लगा रहे हो तब जाके बाल उगना स्टार्ट हो गया। ऐसे 2-3 हफ्ते में कुछ होता है क्या? ट्राई करके देख लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? और रही बात इस वीडियो की, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने बाल झड़ने की प्रॉब्लम से परेशान है, तो इंटरनेट पे देख के ऐसे एक्साइटेड होके कुछ भी यूज़ करने लग जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस यही है कि ब्लाइंडली आपको कुछ भी नहीं यकीन करना चाहिए। मैं ऐसी ही वीडियोस कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ जो एग्जैक्टली मेरे पे असर करा हो, तो आप पे भी वो असर करेगा। तो चीज़ों को रिसर्च करके जान के ही आपको कोई चीज़ अपने बालों में उसका एप्लीकेशन करना चाहिए। जैसे मैंने देखा, मैंने समझा और वहीं पे स्टॉप कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है, तो वहीं पे स्टॉप कर दो, 1 वीक का गैप लो, फिर कुछ और स्टार्ट करो। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे बाल एक्चुअल में कितनी, इसकी लेंथ मेरी पहले से बढ़ी है 3 हफ्तों में। जो आपके लेंथ है ना, वो आपकी बढ़ेगी, थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा ही उसमें। तो मेरे पहले 47 इंचेस थे, अभी मेरे इतने हैं जितना कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इसका शेडिंग पीरियड होता है शुरू में जब हम इसका यूज़ करते हैं, तो वो अब मैं उसको लेके थोड़ा डाउट में हूँ कि मैं अब उसको कंटिन्यू करूँगी कि नहीं करूँगी। देखो, मेरे बाल लंबे तो हुए हैं, लेकिन ये जो मेरे बाल झड़ रहे हैं ना, इसकी वजह से ये मुझे बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। तो मे भी हो सकता है मैं इसको ना करूँ या फिर करूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए।
नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।